तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, अभी हम लोग जा रहे हैं घटगांव माँ तारिणी का दर्शन करने के लिए। शाम को करीब 4 बजे हम लोग घर से निकले और अभी रास्ते में ही हैं। यहाँ से और 40 मिनट लगेगा हमको पहुँचने के लिए। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद में मैं आपको मंदिर दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ में और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं आज एक उड़ीसा का एक फेमस माँ का मंदिर। फ्रेंड्स, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है माँ तारिणी का जो टेंपल है। यहाँ पे एक्चुअल टेंपल नहीं है, माँ का जो सर के ऊपर का जो जगह है वो खाली है। ये माँ का इच्छा था कि उनके ऊपर कोई मंदिर नहीं बनेगा, तो इसके लिए ये जो है जो मेन एंट्रेंस है उसको एक टेंपल का रूप दे दिया गया है। लेकिन जहाँ पे माता विराजमान है वहाँ पे कोई मंदिर नहीं है। और इस साइड में ये पार्किंग के स्पेसेस है, प्लस आगे एक शिव जी का मंदिर है। और ये जो एटीएम का साइड में जो जगह है वहाँ पे व्हीलचेयर का एक्सेस है, व्हीलचेयर वहाँ से जा सकता है। यहाँ पे क्योंकि सीढ़ी है तो यहाँ से नहीं जा सकता है, वो भी व्हीलचेयर आपको जो मंदिर का ट्रस्ट है वहाँ से लेना पड़ेगा, आपका व्हीलचेयर अलाउ नहीं करेंगे वो लोग। तो अभी माता का आरती जो है 7:30 को शेड्यूल है, तो आरती देख के हम लोग निकलेंगे। बने रहिए फ्रेंड्स हमारे साथ में, कल आपको और एक मंदिर दिखाएंगे, ये भी इसी ब्लॉग में कवर करेंगे हम, माँ कीचकेश्वरी का। तो बने रहिए और तारिणी माता का जो कहानी है मैं आपको सुनाऊंगा। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग आज एक और एक जो फेमस ओडिशा में माँ का मंदिर, वो उसका दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में खिचिंग करके एक जगह है और वहाँ पे माँ किचकेश्वरी के मंदिर है। तो ये मान्यता है कि जो महाभारत काल का जो कीचक था वो इन माता का पूजा किया करता था और इन्हीं के नाम से उसका नाम कीचक पड़ा था। मेरे घर से ये करीब 1 घंटे का रास्ता है, हम लोग ऑलरेडी घर से निकल गए हैं और आधे रास्ते में पहुंच गए हैं। तो अभी 45 मिनट्स लगेगा हमें पहुंचने के लिए वहाँ पे। NH 49 और इसका जो ओल्ड नंबर था NH 6 हुआ करता था। ये कोलकाता से मुंबई को जोड़ने वाला हाईवे है। अभी हम केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं, आगे बैतरणी नदी आती है और जो बैतरणी नदी है वो बॉर्डर है दोनों डिस्ट्रिक्ट का।
इलाका है पूरा जंगलों से भरा हुआ है। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें पूरा घना जंगल है, और जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, वो भी मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हाथी बहुत है, तो आपको जगह जगह में एलिफेंट पासिंग का बोर्ड मिल जाएगा हाईवे में, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो। और हमारे गांव में भी हाथी आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये खिचिंग से पहले एक गांव है, बहुत छोटा सा गांव है। यहाँ पे जो ब्लैक स्टोन से तरह तरह का मूर्तियां बनाया जाता है, ये देख सकते हैं आप। देखिए इस साइड में देखिए मूर्तियां, यहाँ पे शिव जी का मूर्ति बना के रखा हुआ है, पंचमुखी हनुमान जी का मूर्ति बना के रखा हुआ है। ये गांव पूरा फेमस है इसी काम के लिए। इस गांव का नाम है केसना। अब आगे देखेंगे तो पूरा आपको कारीगर लोग ही बैठे हुए दिखाई देंगे रोड के दोनों साइड, और मूर्तियां बन रही होंगी। ये है माँ किचकेश्वरी का मंदिर, सामने मंदिर है, मैं आपको दिखाऊंगा अंदर जाने के बाद में। यहाँ पे ये शॉप्स वगैरह है, प्रसाद का है, काफ़ी सारा चीज़ें खरीदने के लिए है, मूर्तियाँ हैं, दिया वगैरह मिलेगा आपको। तो ये बहुत ही शांत एंड सुंदर जगह है। यहाँ पे प्रसाद लेने के बाद में आपको टिकट लेना पड़ता है, बिना टिकट में आपका प्रसाद आगे जो पंडित जी है वो नहीं लेंगे, तो टिकट लेना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए माँ का मंदिर, ये हजारों साल पुराना मंदिर है, बहुत ही पुराना। इसमें माँ का फोटो लेना मना है, तो मैं वीडियो अभी बंद कर दूंगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली जो है प्रतिमा का फोटो नहीं लेना है, ऐसा बोला है उन्होंने कैमरा अलाउ करने के टाइम पे, तो मैं बंद करता हूँ, फिर आगे आपसे बात करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बड़ा मंदिर है। मेरे को लेंस फ्रेम को टेढ़ा करना पड़ा, क्योंकि वो फ्रेम में बैठ नहीं रहा था। हजारों साल का मंदिर, कुछ विग्रह हैं ना खंडित हो चुकी हैं। बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे एक सामने एक म्यूजियम हुआ करता था, लेकिन वो म्यूजियम अभी बंद करके रखे हैं। और यहाँ पे ऐसे छोटा सा पार्क जैसे बनाया, जिसमें एक भगवान शिव जी का मूर्ति है। मामली, मेरी मम्मी धर्मपत्नी जी, और मेरा छोटा भाई का छोटा लड़का। ये देखिए मंदिर। Thank you.
जी मजा लगला, एंजॉय करलो, वेरी गुड। अभी हमें राबड़ी खाइबा, सेठी राबड़ी अच्छी बिक्री हो ना? नहीं नहीं, मंदिर राबड़ी, मंदिर राबड़ी भोग लगी माँ को। এটা রাবড়ি না? কত রাবড়ি? मंदिर में एक्चुअली रबड़ी का प्रसाद मिल रहा था, मिट्टी के घड़े के अंदर, कुल्हड़ के अंदर। तो हम रबड़ी खा रहे हैं और ये ममली रबड़ी खा रही है, पत्थर के चम्मच से। हाँ, पूरा नेचुरल तरीका, चम्मच भी पत्ते वाला। ये देखिए, पत्ता वाला चम्मच और कुल्हड़ वाला रबड़ी, तो पूरा प्योर नेचर के गोद में। मुझे पापा ने पत्ते के चम्मच से नहीं खाया, उन्होंने उन्होंने ऐसे ही खा लिया, चाय के जैसे पी लिया। ये लेकिन चाय नहीं है, ये रबड़ी है। बकरी बकरी केला खा रही है। जो देखिए, मैंने कदली खाऊ, बकरी केला खाने के लिए बकरी केला मांग रही है। जियो तो हाथ गोटे कदली दे, मु वीडियो उठेबी। हेलो मामली, तो फ्रेंड्स माँ की चिकेश्वरी के दर्शन के बाद में हम लोग गए थे, हमारा एक रिलेटिव है वहाँ से निकल गए, अभी दूसरे रिलेटिव के यहाँ रुके हुए हैं। मेरी वाइफ मम्मी उनके घर में गए हुए हैं, मामाली और मैं गाड़ी में बैठे हैं क्योंकि आगे गाड़ी जाने की जगह नहीं है।
और यहाँ से हम लोग अभी वापस निकल जाएंगे 10-15 मिनट के बाद में। और उसके बाद में जो मेरे मामा जी हैं, मामा जी के यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे आधा घंटा, फिर घर के लिए निकलेंगे। तो आज का जो शेड्यूल था एकदम पावर पैक्ड था, मतलब कहीं पे थोड़ा भी फुर्सत नहीं मिला था, मतलब चल ही रहा है, सुबह से ही चल रहा है। और जो लंच है हम लोगों ने जो मेरे मौसा जी है उनके यहाँ पे किया था। तो चलिए आप बने रहिए हमारे साथ में, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे कंटेंट लेके आ सकें आगे भी। चलिए फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ।